नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक इटालियन मूवी जिसका नाम है द लास्ट पैराडिसो। कहानी शुरू होती है और चीचियो अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के साथ मस्ती कर रहा होता है, जहां बियांका की बहन मारिया भी होती है। अब अगले दिन बियांका के पिता की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो उन्हीं के खेत में काम करती है। कंपा उसे अंदर जाकर आराम करने को कहता है। चीचियो शादीशुदा होने के बाद भी एक और गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसे शिकायत होती है कि चीचियो उसे समय नहीं देता है। अब चीचियो का बेटा राखी वहाँ आ जाता है और वह उसे एक बकरी की देखभाल करने को कहता है। अब अगले सीन में कंपा उसी खेत वाली लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और मारिया ये सब छुपकर देख रही होती है। सारे किसान मेयर से पैसे ले रहे होते हैं और चीचियो वहाँ आकर किसानों को मेयर से ज़्यादा पैसे देने की बात करता है। चीचियो की बात सुन मेयर वहाँ से चला जाता है और बियांका के पिता कंपा से इस हरकत के बारे में बताता है। अब अगले सीन में चीचियो बियांका से मिलने खेत जाता है, जहाँ चीचियो उसे दूसरे शहर ले जाने की बात करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब रात को कंपा चीचियो के मेयर से हुए झगड़े के बारे में पूछता है। चीचियो कहता है कोई भी आदमी किसानों का हक नहीं मार सकता है और कोई भी चीचियो के बीच आया तो बुरा हो जाएगा, और ये कह वह वहाँ से चला जाता है। अगली रात चीचियो चोरी से बियांका के घर जाता है और उसे घर से बाहर निकलने को कहता है। दोनों भूसे के भरे रूम में जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह होने पर बियांका बीती रात के बारे में मारिया को बताती है। मारिया उसे पागल कहती है। अब कंपा का नौकर चीचियो और बियांका को एक साथ देख लेता है और कंपा को जाकर बता देता है। अब कंपा गुस्सा हो जाता है और मारिया को बुलाकर उससे चीचियो के बारे में पूछता है। अब अगले सीन में कंपा बियांका से पूछता है कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है। तब कंपा उसे बदचलन औरत बोलता है, तो बियांका अपने कपड़े उतार देती है और कहती है क्या हुआ, आपको ये पसंद नहीं आया, आप तो छोटी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, तब आपको ख्याल नहीं आता है। फिर मारिया बियांका को लेकर चली जाती है। अब अगले सीन में कंपा किसी काम से चीचियो को बुलाता है और उसे खेत दिखाता है, तभी वह पीछे से चीचियो के सर पर मार देता है जिससे वह मर जाता है। मरने के बाद कंपा उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देता है और उसकी लाश को उसके मोहल्ले में फेंक देता है। पूरा गांव सदमे में आ जाता है। अब बियांका भी अपने पिता को कोसने लगती है। अब एंटोनियो को अपने भाई के मरने की खबर मिलती है और वह अपने गाँव के लिए निकल जाता है। अगली सुबह एंटोनियो बियांका के घर जा रहा होता है, तभी बियांका का नौकर उसे देख लेता है और बियांका को रस्सियों से बांध देता है। और फिर कंपा और उसका नौकर बाहर आते हैं। एंटोनियो कहता है तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। कंपा कहता है वो मेरी बेटी को भगा ले जाना चाहता था इसलिए, और तुम भी दोबारा यहाँ मत आना वरना तुम भी नहीं बचोगे। ये कह कंपा अंदर चला जाता है। अब अगले सीन में हम एंटोनियो को वापस जाते देखते हैं और बस में एंटोनियो को फ्लैशबैक में सोचते देखते हैं कि कंपा के सर पर पीछे से मारा जाता है और कंपा मर जाता है। तभी वहां उसका नौकर आता है और एंटोनियो उसे भी मार देता है और उसकी शर्ट को एंटोनियो गांव के चौराहे पर फेंक देता है, जिसे देख चीचियो की बीवी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि एंटोनियो ने उसे मार दिया है। कुछ देर बाद मारिया और बियांका को भी पता चल जाता है कि उसके पिता और नौकर मारे गए हैं। पिता के मर जाने के बाद दोनों बहनें चोरी करने पर मजबूर हो जाती हैं और चोर बन जाती हैं। कुछ दिन बाद बियांका मेयर के घर मदद के लिए जाती है। मदद करने के बदले में मेयर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर बियांका उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम बियांका को एंटोनियो से मिलते देखते हैं। चीचियो को जुड़वा भाई होने के कारण बियांका को एंटोनियो में अपना आशिक चीचियो दिखाई देता है। अब एंटोनियो बियांका को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और यहीं पर मूवी द एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।